भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पुराना नगर निगम परिसर में खुले में रखे हुए नगर निगम के करोड़ों रुपयों के मशीन को लेकर बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि 30 से 40 करोड़ रुपए के महंगे ऑटोमेटिक सफाई की मशीन, झाड़ू लगाने वाली मशीन, पानी का टैंकर, फॉगिंग मशीन, ट्रैक्टर और अन्य कई तरह की मशीन खरीदी गई थी, लेकिन आज इसे नगर निगम के पुराने परिसर में बिना छत के नीचे रख दिया गया है। धूप और पानी के कारण मशीनों में जंग लग गया है, वहीं मशीन के आसपास घास भी उग गया है। बताया गया कि आधुनिक मशीन नगर निगम की ओर से खरीद लिया गया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, साथ ही उसे सुरक्षित रखा भी नहीं जाता है। राजेश सिन्हा ने नगर निगम के इस रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने यह भी मांग किया कि नगर निगम के द्वारा जो पानी नल के द्वारा पिलाया जाता है उस पानी की जांच करवाई जाए, वहीं सुबह शाम पानी का भी सप्लाई नहीं होता है, इस पर भी जांच कर नगर निगम को सुबह शाम पानी सप्लाई करने का आदेश करने की अपील उपायुक्त से की गई। कहा कि इन बिंदुओं पर यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है तो जल्द ही अनिश्चितकालीन धरना नगर निगम कार्यालय के बाहर किया जाएगा। नगर निगम में पिछले 6 महीना पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया था पूरे नगर निगम के 36 वार्डों को साफ करने के लिए, उसके जो धूल कण है उसको ऑटोमेटिक उठाने के लिए। ऐसे कई मशीनें हैं, 6 महीना पहले खरीदा गया, आज तक पुराना नगर निगम के कंपाउंड में रखा हुआ है, सबके नीचे घास आ गया है, यूज नहीं हुआ है। आज के डेट में कितने को वहाँ पे अगर काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता, एक तरह से जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आखिर किस लिए खरीदा गया, खरीदने के पीछे क्या कारण था, और उस समय के जो अफसर थे या उस समय के जो कर्मी हैं, इसमें आखिर इसका कारण तो बताना पड़ेगा कि गिरिडीह में अगर मान लीजिए 6 महीने पहले खरीदा गया है और अभी तक इसका कोई यूज नहीं है, वो बर्बाद हो रहा है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, मतलब कि अगर चक्का के नीचे घास उग रहा है और उसका कोई यूज नहीं है तो इस पर आवाज़ तो बनता है। भाकपा माले ने इस पर आवाज़ कुछ दिन पहले उठाया था, आज उपायुक्त महोदय को लिखित जांच के लिए कहा है, निश्चित रूप से सामने आएगी बात। और साथ ही साथ नगर निगम का एक और है कि जो सुबह शाम पानी देने की जो बात हो रही है या बात की जाती है, मिलता नहीं है। वो भले अपने डायरी मेंटेन करते होंगे जो संवेदक है कि सुबह शाम हम पानी दे रहे हैं, लेकिन पूरा 36 वार्डों में पानी नहीं मिल रहा, और जो पानी मिल भी रहा है वो जांच का विषय है, वो पीने योग्य नहीं है, और उस पर भी जांच करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय को दिया है। क्योंकि नगर निगम में अभी कोई है नहीं, पिछले 1.5 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ अफसर हैं, जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि, अभी उनका कोई विशेष काम रहा नहीं, चुनाव होने के बाद होगा, तो इस पर आवाज़ उठाने की जरूरत है और हम लोग इसकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। धन्यवाद। गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आप इस सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर परहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडॉन्टिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा ड्रेंडल डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज 32वीं और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।